हेलो स्टूडेंट्स, इलेवन मैथ्स में हमारी फोर चैप्टर में 4F का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कंप्लीट हो गया था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। देखिए क्या लिखा है, 4 sin 60 degree माइनस अल्फा साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा, है ना। इसका हम सबसे पहले LHS लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको जो फॉर्मूला लगता है उसमें आगे क्या रहता है, 2 चाहिए रहता है। तो इस 4 को ब्रेक करेंगे, इसको 2 × 2 में लिख देंगे, तो 1 2 तो साइन अल्फा के साथ चल जाएगा इस टाइप से, और 1 2 इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो आगे क्या चलता रहेगा आपका, 2 sin α। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 sin A sin B का, तो 2 sin A sin B हो जाएगा आपका cos A - B। तो ये cos, ये हो गया आपका A - B, फिर -cos A + B, तो cos ये A + B। हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 60 माइनस का हो जाएगा, और अल्फा भी माइनस का हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट खुलते साइन चेंज जाते हैं, इधर 60 - α और प्लस क्या चल रहा है, 60 + α, तो 60 60 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कोस, -α - कितना जाएगा, -2α। इधर एल्फो सेल्फा कैंसिल, तो कितना बचा कॉस 120। कॉस का थीटा माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, इधर का चल रहा है कॉस 120। अब क्या करेंगे, इस 2 sin α का अंदर इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 sin α cos 2α माइनस 2 sin α इंटू cos 120 डिग्री। अब वापस से फॉर्मा लगेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फॉर्मा लगाएंगे, 2 sin cos B का क्या हो जाएगा, 2 sin cos B आपका sin A + B, तो ये sin A + B प्लस sin A - B, तो ये A - B। इधर 2 sin α, इधर cos 20 की वैल्यू पुट कर देंगे, cos 20 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अब इधर चलेगा आपका sin 3α, अब ये हो जाएगा माइनस का sin α, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तब आपके पास -± sin α, ये sin 3α। साइन का थीटा माइनस मोरल काइम होता है, माइनस में ही रहता है, और प्लस का चल रहा है sin α, sin α माइनस का sin α प्लस का कैंसिल, तो कितना बचा sin 3α। ये आ गई इसकी RHS, ये तो सॉल्व है। उनसे क्वेश्चन में फोर्थ देखते हैं, और क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 cos 12 degree cos 48 degree cos 72 degree इज इक्वल टू cos 36 degree। ठीक है,
यानी कि उसमें और cos 12 cos 40 है एंड cos 72। हम यहाँ पे फिर 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में, तो एक 2 तो चल जाएगा cos 12 के साथ और एक 2 आ जाएगा इधर cos 48 और cos 72 के साथ। क्या बाहर का हम जो है हम क्या करेंगे आगे का चलता रहेगा आपको, तो cos डिग्री और इसका फार्मूला बन जाएगा आपका cos ए cos बी का, तो cos ए cos बी का फार्मूला क्या होता है cos ए प्लस बी cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी मतलब 48 माइनस 72। फिर क्या चल रहा है तो cos 12 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको cos 120 डिग्री, और इधर क्या करेंगे 72 में 48 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 12 में साइड गया तो 4 6 में 4 गया तो 24 डिग्री। अब cos 120 वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1/2 और cos का थीटा माइनस में इधर का टाइम हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे cos 12 के अंदर इंटू करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 cos 12 डिग्री इंटू माइनस 1/2 और लास्ट में यहाँ पे प्लस आएगा। इधर प्लस 2 cos 12 इंटू cos 24। अब इधर क्या होएगा 2 से 2 सल हो जाए इतना बचा माइनस का cos 12 डिग्री प्लस और यहाँ पर बार लग जाएगा आपको वापस 2 cos ए cos बी का, तो क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब इधर क्या चल रहा है माइनस का cos 12 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा ये इनको प्लस करेंगे तो 36 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा cos माइनस का 12। कॉस का डेटा माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता है, अब कॉस माइनस कॉस 12 से प्लस में कॉस 12 कैंसिल तो कितना बचा कॉस 36। ये आ गया इस क्वेश्चन के आर एच एस ये प्रूव हो गया। ठीक है इसके सब क्वेश्चन स्टेप से सिमिलर ही रहेंगे, क्वेश्चन 5-6 जो है आप करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 7। केंद्र का क्वेश्चन 7 है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। हम यहाँ पे क्या करेंगे एम एल एच एस लेंगे cos 20 cos 40 एंड cos 80। अब आपको फार्मूला लगाने के लिए आगे 2 चाहिए, जो 2 से इंटू 2 से डिवाइड होएगा इस टाइप से क्या करेंगे 1/2 तो बाहर हो जाएगा और इस 2 का अंदर इंटू कर देंगे ये हो जाएगा आपका 2 cos 20 cos 40 और लास्ट में क्या चल रहा है आपके पास cos 80। तो यहाँ तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा इस cos 80 को यहाँ पे आगे लिख सकते हो इंटू में चल रहा है, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका 2 cos ए cos बी का, तो क्या होता है cos ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 40 फिर प्लस cos ए माइनस मतलब 20 माइनस 40। अब ये हो जाएगा आपका cos 60 प्लस और ये हो जाएगा cos माइनस का
कोस 60 वाली पुट कर देंगे 1/2, और कोस का डेटा माइनस में तो कहीं भी हो जाता है प्लस में। अब इसके अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 का इंटू 1/2 में होगा तो हो जाएगा 1/4 कॉस 80, फिर इसका हो जाएगा इंटू 1/2 कॉस 80 और कॉस 20। ठीक है, अब इधर ये 1/4 कॉस 80 ऐसे के साथ चलेगा। इधर आगे आपको वापस 2 चाहिए तो क्या होएगा, 2 से वापस से इंटू होएगा, 2 से वापस से डिवाइड होएगा, कॉस बी का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 1/4 कॉस 80 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका 80/100 और हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री। फॉर्मूला बनेगा कॉस सी प्लस कॉस बी का। ठीक है, या कॉस सी प्लस कॉस बी मतलब इसके इसके बड़े फॉर्मूला आएंगे तो जाएगा 2 cos C + D। सी प्लस डी मतलब 80 + 100/2। ये कॉस सी माइनस डी मतलब 80 - 100/2। लास्ट में चल रहा है 1/8, ये हो जाएगा आपका 180/2 और ये हो जाएगा -20/2। प्लस का चल रहा है 1/8, ये हो जाएगा आपका 2 cos 90 degree और ये हो जाएगा -10 और 10 माइनस, ये हो जाएगा -10 degree। लास्ट में चल रहा है 1/8। हम यहाँ पे cos 90 वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0। इधर cos -10 डेटा का हो जाएगा प्लस में। अब ये 0 की वजह से ये पूरी टर्म ओवरऑल आपकी 0 हो जाएगी और लास्ट में क्या बचेगा आपका 1/8, और 1/8 आपका आंसर चाहिए तो 1/8 आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गई इसकी। अब इसके बचे क्वेश्चन आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।